नमस्कार, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com। दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियम के उल्लंघन के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक को जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद अमानतुल्ला खान के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए उनकी टीम ने कहा कि सच की जीत हुई। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने आपके विधायक अमानतुल्ला खान को 1,00,000 रुपये की राशि पर जमानत दे दी। वहीं विधायक को 16 सितंबर को ECB ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें 4 दिन और 5 दिन की ECB कस्टडी में लिया गया। 26 सितंबर को अमानतुल्ला खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 27 सितंबर को अमानतुल्ला की जमानत पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई थी, जिसके बाद 28 सितंबर की दोपहर 3:30 बजे के लिए ऑर्डर रिजर्व रख लिया गया था। दिल्ली की अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित तौर पर उल्लंघन से जुड़े मामले में अमानतुल्ला खान की जमानत याचिका पर अपना आदेश मंगलवार को सुरक्षित रख लिया था। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने कहा था कि फैसला बुधवार को सुनाया जाएगा। मंगलवार को अमानतुल्ला खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 409 किसी सरकारी सेवक या बैंक व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वास भंग के लिए सभी सामग्री गायब है और अभियोजन ने अपनी मर्जी से वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खान को निशाना बनाया। बता दें कि उनके वकील ने यह भी कहा था कि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया और यह आरोप गलत है। उन्होंने कहा कि कानून का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ और ना ही इसका कोई सबूत है। कानून के कथित दुरुपयोग के संबंध में वकील ने कहा था कि एक एक पैसे का हिसाब रखा गया। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पंजाब केसरी .com। धन्यवाद।